फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। चुनाव प्रचार प्रसार से फुर्सत पाकर भोपाल में बैडमिंटन खेलते नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब के सदस्यों के साथ खेला बैडमिंटन। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इंदौर में किया था प्रचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया जबरदस्त ऐलान। कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों के लागत के बराबर होगी। सांसदों से भी हाइड्रोजन टेक्निक अपनाने की अपील। कहा प्रदूषण के स्तर में आएगी कमी। बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा पर बरसे विक्रांत भूरिया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची। प्रदेश में है जंगल राज जैसे हालात। नुपुर शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी। अजमेर दरगाह के खादिम का ऐलान। नुपुर शर्मा के हथियारों को दूंगा अपना मकान। वीडियो में दिख रहा सलमान दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर। अलग अलग कई मामले हैं दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बनाकर पेश करने और फर्जी वीडियो क्लिप चलाने के आरोप में टीवी चैनल जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पूर्व जजों ने की आलोचना। देश के 117 गणमान्य लोगों का सीजेआई को पत्र। कहा नुपुर शर्मा मामले में एससी ने अपनी टिप्पणी से लागी है लक्ष्मण रेखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास में सुरक्षा में सेन आवास में लोहे की रॉड लेकर छिपा बैठा था हफीजुल मुल्ला। पिता ने बेटे को बताया पागल। सुरक्षा में हुई चूक के बाद राज्य सचिवालय और सीएम आवास की सुरक्षा हुई सख्त। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में आई खराबी। पाकिस्तान के कराची में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सवार यात्री पूरी तरह से सुरक्षित। 3 दिन पहले ही स्पाइस जेट के विमान के इंजन में लगी थी आग। देश में उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को आएंगी जयपुर। सांसद और विधायकों से करेंगी मुलाकात, समर्थन की करेंगी अपील। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर सोशल मीडिया पर पलटवार और जुबानी जंग जारी। कांग्रेस के भीतर मचा घमासान। पूर्व सीएम हरीश रावत और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह में जारी है जुबानी जंग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समधी रवि शिवहरे के फ्लैट से 10 लाख रुपयों की चोरी। मंदिर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी ले गए चोर। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। नर्मदापुरम में पानी भरने के चलते NH-69 बंद। बीते 24 घंटों में प्रदेश के जबलपुर भोपाल नर्मदापुरम संभाग जिलों में अधिकतर स्थानों पर दर्ज की गई बारिश। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार थमा। इलेक्शन कमीशन ने बिजली विभाग को किया निर्देशित। वोटिंग और काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार से बिजली की सप्लाई में न उत्पन्न हो पाता। लगातार हो रही बारिश और होने वाली कटौती के मद्देनजर दिया गया है निर्देश। कहा वैकल्पिक किए जाए इंतजाम। नर्मदापुरम में नगर पालिका के मानसिक रूप से परेशान सब इंजीनियर चेतन भूमरकर ने मैकेनिकल तरीके से दी जान। सिर पर पॉलिथीन बांधकर भरी नाइट्रोजन गैस। मौके पर छोड़ा सुसाइड नोट। बीमारी और मानसिक रूप से परेशान होने का किया जिक्र। खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने और कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप पर किया अनुमोदन। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। हीराकुंड एक्सप्रेस के कोच में यात्रा के दौरान बीएसएफ प्रधान आरक्षक श्री रामलू की तबियत बिगड़ने से प्लेटफॉर्म पर ही तोड़ा दम। राजद सुप्रीमो लालू यादव की हालत देखकर फफा फफा कर रोई बेटी रोहिणी। ट्विटर पर शेयर की पिता की तस्वीर। सीढ़ियों से गिरने पर लगी चोट। पारस HMRI अस्पताल में कराया गया है भर्ती। नई दिल्ली में एंटी करप्शन की टीम बताकर बदमाशों ने शाहदरा के कारोबारी के घर डाली रेड। सर्च वारंट मांगा तो दी धमकी। शोर शराबा मचाने के बाद भागे बदमाश। चांदनी चौक के कारोबारी नवीन शाहदरा स्थित घर में फिल्मी अंदाज में डाली गई रेड। मध्य प्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। सागर संभाग कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत CEO प्रसन्ना चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। दायित्व के प्रति उदासीनता बरतने और शासनहीनता के आरोप में की गई कार्रवाई। 12 को जारी किया गया नोटिस। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के मामले में बोले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सीएम के आदेश पर हुई है कार्रवाई, नियमों का नहीं किया गया है पालन। राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में भाजपा के सांसद राजवर्धन सिंह राठौर और सुब्रत पाठक तथा 3 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी।
एक ओर जहां नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में विरोध जारी, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के संभल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाले कागज में चिकन बेचकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जा रही है कोशिश। कर्नाटक की हुबली में दिल दहला देने वाला मामला सामने, शिष्य के भेष में आए दो शैतानों ने पहले पैर छुए और फिर सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ 70 वार कर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हत्या। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।